बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो चैप्टर है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हम जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सिस्टम है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उनको हम यानी कि आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम है वो क्या है? मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम क्या होता है? मस्कुलर सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कार्डियक, स्केलेटल और स्मूथ मसल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। और मस्कुलर सिस्टम जो होता है वो हमें कहने के हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन परफॉर्म करता है। जिस तरह यानी कि हम कार्डियक मसल की बात करते हैं, कार्डियक मसल जो होते हैं वो हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, जो ब्लड होता है उसको पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हैं। उसके बाद जो है हमारी बॉडी में जो दूसरी टाइप के टिश्यूज़ होते हैं वो स्मूथ यानी कि कह लें कि मसल्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, और जो स्मूथ मसल्स हैं वो कह लें कि जो डाइजेशन होती है उसके अंदर हेल्प करते हैं। और जो यानी कि थर्ड टाइप है वो स्केलेटल मसल हैं। स्केलेटल मसल्स वो होते हैं जो कि हमारी बोन्स के साथ अटैच होते हैं, और जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये हमें मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि जो मसल्स हैं उनकी तीन तरह की टाइप्स हैं। एक वो मसल्स हैं जो कि हमारी बोन्स के साथ अटैच हैं, दूसरे कौन सी टाइप है, स्मूथ मसल्स हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं, और तीसरे कौन से मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं। कार्डियक मसल्स यानी कि कह लें कि हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो हार्ट है उसका फंक्शन होता है जो पूरी बॉडी है उसके अंदर ब्लड को सर्कुलेट करना। इसके अलावा और भी इनके मसल्स की टाइप होती हैं, जिस तरह के इनवॉलेंट्री मसल्स हैं या के फिर वॉलेंट्री टाइप्स के मसल्स हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स वो होते हैं जो कि हमारी मर्जी के ताबे नहीं होते, जिस तरह के हार्ट है, हार्ट अगर बीट कर रहा है तो उसको हम अपनी मर्जी के मुताबिक रोक नहीं सकते। इसी तरह दूसरी साइड पे आप जाते हैं वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, तो वॉलेंट्री मसल्स वो होते हैं जो हमारी मर्जी के ताबे होते हैं, जिस तरह के स्केलेटल मसल्स हैं। आप यानी कि अगर आप अपना जो बाजू है उसको ऊपर और नीचे करते हैं तो ये आपकी मर्जी के मुताबिक ऊपर और नीचे होता है। तो ये भी यानी कि कह लें कि टाइप्स ऑफ मसल्स के अंदर आता है। और उसके साथ साथ एक टर्म यूज़ हुई होगी आपके इस कह लें कि टॉपिक के अंदर, टेंडन्स की। टेंडन्स कह लें कि वो मसल्स होते हैं जो कह लें कि मसल्स जो होते हैं ये वाइट कलर के होते हैं, और इनको हमारी बोन्स के साथ अटैच करते हैं, उनको हम टेंडन्स बोलते हैं। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर मुश्तमिल है। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अगर हम पार्ट्स की बात करें तो वो कह लें कि माउथ, इजोफेगस, स्टमिक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो ये क्या होते हैं? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के हिस्से होते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। डाइजेशन में क्या होता है कि डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो मैक्रो मालिक्यूल्स होते हैं, जिस तरह के ये आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा कि एक प्रोटीन का उन्होंने मालिक्यूल दिखाया हुआ है, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, छोटे छोटे मालिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? इज़ अ केमिकल फिजिकल प्रोसेस इन विच लार्ज मालिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर मालिक्यूल्स। तो ये हमारे क्या होता है कह लें कि डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन होता है, जिसको आप यानी कि डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं? इसमें कह लें कि हमारा माउथ आता है, उसके बाद यानी कि ये ट्यूबर स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है जिसको हम इजोफेगस कहते हैं, और उसके बाद फिर आपको एक बैग लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा जिसको हम स्टमिक कहते हैं, और उसके बाद जो है लार्ज इंटेस्टाइन है, और सॉरी जो स्टमिक है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होता है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है, ठीक है, वो एनस के मदद से हमारी बॉडी से बाहर ओपन होती है। तो अब डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होती है? यहाँ पे आपको सलाइवरी ग्लैंड्स की हेडिंग नज़र आ रही होगी। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं ये हमारे कह लें कि माउथ रीजन के अंदर पाए जाते हैं, और ये सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, जिसको आम लफ्ज़ों में आप थूक कहते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं जो फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और उसके बाद जो फूड है वो इजोफेगस के ज़रिए से स्टमिक के अंदर पहुँचती है। जो स्टमिक है उसके जो मसल्स हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स के कह लें कि टिश्यूज़ पाए जाते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के इंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पेप्सिन है। अब ये क्या करते हैं, जो फूड है उसकी फर्दर ब्रेकडाउन करते हैं, और ये जो है यहाँ पे स्टमिक के अंदर एक गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। वो जो गैस्ट्रिक जूस जो है जब वो हमारी फूड के साथ मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के बाद जो फूड है वो सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर आ जाती है, तो वहाँ से ये फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चले जाती है। तो ये जो सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर बनती है फूड की, इसको हम काइम कहते हैं, और इस प्रोसेस को केमी
डिफेकेशन कहते हैं। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें इन्वॉल्व है, डाइजेशन के अंदर उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, डाइजेशन कैसे होती है ये हमने इसके अंदर डिस्कस की है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो सिस्टम है जो रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। रेस्पिरेशन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, रेस्पिरेशन एक ऐसा अमल है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं बिटवीन द बॉडी एंड देयर एनवायरनमेंट। जिस तरह हम यानी कि क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो इस प्रोसेस को आप रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अगर इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग आप पार्ट्स देखें तो हम जो सांस है वो नाक के जरिए से लेते हैं, तो ये जो है नाक के जरिए से जो हवा होती है फ्रेश एयर जिसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वो नोजल कैविटी के अंदर इंटर होती है और फिर नोजल कैविटी से ये फेरिंग्स के अंदर आती है। फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स ये एक ट्यूबर पाथवे होता है जो कि फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन होता है, और फिर यानी कि जो फेरिंग्स होता है उससे आगे एक नेक्स्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आती है जिसको हम लेरिंक्स कहते हैं। लेरिंक्स वो स्ट्रक्चर वो कहने के पार्ट होता है, यहाँ पे ये हमारा एडम्स एप्पल प्रेजेंट होता है, और फिर जो लेरिंक्स है ठीक है वो फिर आगे एक अदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होती है जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं या इसको विंड पाइप कहते हैं, आम लफ्जों में इसको हवा की नाली भी बोलते हैं। तो इससे ट्रैकिया से जो एयर है ठीक है वो आगे लंग्स के एरिया में जाके दो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर डिवाइड हो जाती है, और वो जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम ब्रोंकाई कहते हैं और सिंगुलर ब्रोंकस कहते हैं। यानी कि ट्रैकिया को आप नीचे लंग्स साइड पे जाके देखें तो आपको ये दो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर डिवाइड नजर आती होगी जिसको हम यानी कि ब्रोंकाई कहते हैं, और जो ब्रोंकाई है वो आगे जाके फर्दर लंग्स के अंदर छोटी छोटी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर डिवाइड हो जाती है जिसको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं, और जो ब्रेंक्यूल्स है वो जाके सैक लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर एंड होती हैं जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, और आप इनके कह लें कि जो गैस ऑफ एक्सचेंजर्स है, गैस ऑफ एक्सचेंज है वो कैसे होती है, ये कह लें एल्वियोलाई के अंदर होती है। एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर ये आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, इसमें आप देख रहे होंगे कि जो एयर सैक्स होती हैं ये क्या होती है, क्लस्टर्स की फॉर्म में होती हैं, जिस तरह क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स कह लें होते हैं, और इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि इसकी तरफ ब्लड वेसल आ रही है और ब्लड वेसल ने जो है वो जो एल्वियोलाई है उनको कवर किया हुआ है। अब ये जो ब्लड वेसल इनकी तरफ आ रही है इसके अंदर क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड कौन सा होता है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादती होती है, और जो हमारी एल्वियोलाई है उनके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कम होती है। तो अब यानी कि एल्वियोलाई वो साइट होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, यहाँ पे क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। तो ये किस तरह से होता है ये हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। अब ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कह लें कि एक एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है। अब इसके गिर्द यहाँ पे ये आपको जो कह लें कि एल्वियोलाई है उसके गिर्द एक ब्लड वेसल नजर आ रही है और उसके अंदर आपको ब्लड नजर आ रहा होगा। अब ये वो ब्लड है, यहाँ पे कह लें कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और दूसरी साइड पे जो हमारे एल्वियोलाई हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की ज्यादती है। ये रेड एरोस शो कर रहे हैं कि मतलब जो फ्रेश एयर है जिसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है वो हमारे एल्वियोलाई के अंदर आ रही है, और एल्वियोलाई से वो कहाँ पे जा रही है, ब्लड के अंदर जा रही है। और दूसरी साइड पे आपको ब्लू एरोस दिखा रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है वो कहाँ पे जा रही है, एल्वियोलाई के अंदर जा रही है, और जो एल्वियोलाई है जब हम क्या करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं या उस प्रोसेस को आप एक्सपायरेशन कहते हैं ठीक है, तो उससे कह लें कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हम फ़ज़ा में खारिज करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे होते हैं बिटवीन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। तो इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं, और इसमें जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है उसको आप रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के हमने पार्ट्स भी पढ़ लिए, हमने ये भी देख लिया कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरह से हो रही है, ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, वो नर्वस सिस्टम है। अब जो नर्वस सिस्टम है ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये हमारी बॉडी को क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, यानी कि कह लें कि कम्युनिकेशन का रोल प्ले करता है।
अब किस तरह से मिसाल के तौर पे आपका हाथ जो है जब किसी चीज़ को टच करता है तो उसको वो आपको किस तरह से पता चलता है कि ये चीज़ गर्म थी, इसको हमें टच नहीं करना था, और आप क्या करते हैं फ़ौरन रिस्पॉन्स शो करते हैं और अपना हाथ फ़ौरन पीछे खींच लेते हैं। तो ये जो है ठीक है, ये क्या होती है, कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर। अब अगर हम नर्वस सिस्टम को देखें तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कह लें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम के ऊपर मुश्तमिल होता है। अब अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर आप बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो ब्रेन के ऊपर और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके ऊपर मुश्तमिल होता है। अब जो ब्रेन होता है इसको खुद भी आप एग्जामिन कर सकते हैं कि जो हमारा ब्रेन है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हेड रीजन के अंदर होता है और कह लें कि एक बोन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्लोज होता है जिसको आप स्कल कहते हैं आम लफ्जों में, जिसको खोपड़ी कहते हैं। और ये उसके बाद जो दूसरा हिस्सा होता है जो कि क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये भी हमारे क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है। अब पेरीफेरियल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पेरीफेरियल नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि हमारी कह लें कि नर्व्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। अब नर्व्स जो हैं ठीक है वो कह लें कि वो नर्व्स होती हैं जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज होती हैं, जिस तरह के ब्रेन है इससे भी नर्व्स अराइज होती हैं, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है इससे भी अराइज होती हैं। तो जो कह लें कि स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं इनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। और जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है अगर आप इसका बेसिक यूनिट देखें तो ये किसका बना होता है, ये न्यूरॉन का बना होता है। अब ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर आपके सामने नज़र आ रही होगी, ये क्या होता है, यहाँ पे ये न्यूरॉन एक सेल है और इस तरह के बहुत सारे यानी कि जो न्यूरॉन हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होके हमारा क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम बनाते हैं। और अगर आप न्यूरॉन के पार्ट्स की बात करें तो इसके जो मेजर पार्ट्स होते हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो वो आपको डेंड्राइट नज़र आ रहा होगा, न्यूक्लियस नज़र आ रहा है ठीक है, जो कि सेल यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसको हम सेल बॉडी कहते हैं। और यहाँ से फिर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अराइज हो रही है जिसको हम एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन जो है जाके आगे वो फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो रही है जो कि एक्सॉन टर्मिनल कहलाता है। और ये छोटे छोटे से इसके ऊपर येलो कलर के सेल्स प्रेजेंट हैं जिनको हम कह लें कि श्वान सेल्स कहते हैं। तो ये क्या होता है, एक न्यूरॉन सेल होता है और इस तरह के बहुत सारे न्यूरॉन सेल मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। उसके बाद जो न्यूरॉन्स हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं, ये तीन टाइप्स के होते हैं, एक सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स वो होते हैं जो मैसेज होता है ब्रेन से उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेके जाते हैं। और उसके बाद जो है इंटर न्यूरॉन जो कि हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये जो भी यानी कि मैसेज आता है उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद जो मैसेज होता है उसको ब्रेन से मोटर न्यूरॉन की मदद से जो कह लें कि अफेक्टर्स होते हैं उनकी तरफ भेजते हैं, यानी कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक भेजते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज को ब्रेन की तरफ लेके आते हैं, इंटर न्यूरॉन एनालिसिस करते हैं और फिर वहाँ से जो भी मैसेज होता है उसको मोटर न्यूरॉन की मदद से जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी तरफ भेजते हैं। तो ये यानी कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट यानी कि सिस्टम है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तीन मेजर कहने के चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है। उनमें सबसे जो मेजर पार्ट होता है वो आपका हार्ट होता है। हार्ट क्या करता है, आप यानी कि खुद चेक कर सकते हैं, ये पंप कर रहा होता है और पंप से जो ब्लड है। दूसरा इसका पार्ट कौन सा है, ब्लड वेसल्स हैं। और थर्ड जो है वो ब्लड है। अब क्या होता है कि जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को, वो किसके अंदर आता है, ब्लड वेसल्स के अंदर, और ब्लड वेसल्स से वो पूरी बॉडी के अंदर क्या करता है, रोटेट करता है। तो आप यानी कि हार्ट क्या हुआ, हार्ट यानी कि कह लें कि एक पंपिंग आर्गन है जो कि ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर भेजता है। आप यानी कि क्या होता है कि जो हार्ट होता है उससे जो ब्लड जिन वेसल्स के अंदर जाता है ठीक है, या वो कह लें कि ब्लड वेसल्स जो कि कह लें कि अवे फ्रॉम द हार्ट जो ब्लड है उसको लेके जाती है, उनको हम आर्टरीज कहते हैं। आर्टरीज वो यानी कि ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और यही आर्टरीज जब हमारे डिफरेंट बॉडी टिश्यूज तक पहुंचती हैं तो वहाँ पे जाकर ये छोटी छोटी ब्लड वेसल्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज जो हैं वो आपस में दोबारा यूनाइट होके कह लें कि वेंस बनाती हैं। वेंस वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती हैं। तो ये हमारा क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हार्ट के ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर और ब्लड के ऊपर मुश्तमिल है।
उसके बाद जो यानी कि नेक्स्ट आपका यानी कि सिस्टम है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो कि एक्सक्रीशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। एक्सक्रीशन क्या होती है? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। इसके अंदर कौन कौन से बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं? इसमें आपकी स्किन है, ये थोड़ा सा उसका सेक्शन दिखाया है। इसमें आप एक हेडिंग देखें स्वेट पोर, आप अपनी बॉडी पे भी देखें तो आपको छोटे छोटे से स्वेट पोर्स नज़र आते होंगे। यहाँ से क्या होता है, स्वेटिंग होती है। अब जब यानी कि हमें पसीना आता है तो उसकी मदद से डिफरेंट टाइप्स के जो कह लें कि साल्ट्स हैं उनका बॉडी से अखराज होता है। तो इस तरह हम कहते हैं कि जो स्किन है ये भी क्या है, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। उसके बाद जो है दूसरा कह लें कि किडनी इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीशन के अंदर। अब यानी कि जो किडनी है हमारा, जितने भी यानी कि हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो ब्लड के जरिए से किडनी के पास पहुंचता है। अब जो किडनी है वो क्या करते हैं, इस नाइट्रोजनस वेस्ट को जिस तरह के यूरिया वगैरह हो गया इन सबको फिल्टर करते हैं, और फिल्टर करने के बाद इनको ये नाली नज़र आ रही होगी आपको, यूरेटर जो कि 3 नंबर पे है, वहाँ यूरेटर से फिर ये एक आपको 7 नंबर पे नज़र आ रहा होगा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आके जो पेशाब है वो कलेक्ट हो जाता है और फिर यूरेथ्रा की मदद से इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो था आपका आज का लेक्चर था, अगर कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो कॉलेज का ग्रुप बना है उसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।